हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी एपिसोड 43। एपिसोड 42 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं, यंशी खुद को ब्लेम दे रही होती है कि मेरी वजह से कितने सारे लोग मर गए, लेकिन चीज लियांग अभी तक अलाइव है। तो प्रिंस क्वांग उसे कंसोल कराते हैं। देन आगे गाओ पिंग यंशी के लिए ब्राइडल की ड्रेस एंड ज्वेलरीज लेकर आ जाता है और कहता है, जल्दी रेडी हो जाइए, आपकी आज शादी है। तो यंशी अपसेट होने लगती है। देन आगे सिटी में वेडिंग वाइन बांटी जा रही होती है कि आज मैजिस्ट्री की वेडिंग है, तो सब आकर ले लो। जहाँ चैंग रू भी आ जाती है एंड कहती है, तो आज मैजेस्टी एंड यंशी की शादी है। एंड तभी वहाँ यंशू भी वाइन पीते हुए नशे में उसे दिखाई देता है। तो चैंग रू उसे देखकर कहती है कि यंशू भी यंशी को लाइक करता है, लेकिन यंशी मैजेस्टी से शादी कर रही है, इसलिए वो भी दुखी होकर ड्रिंक कर रहा है। देन आगे यंशू गुस्से में सबको वहां से भगा देता है कि तुम ये वाइन नहीं ले सकते। तो सब डरकर छिप जाते हैं एंड वो वाइन उठाकर पीने लगता है एंड नशे में गुम होकर नीचे गिर जाता है। तो वहां के लोग वापस आकर उसे मारने पीटने लग जाते हैं एंड चैंग रू भी ये सब देख रही होती है, लेकिन वो उसे बचाने नहीं जाती और कहती है, तुमने मेरी आंटी ली रोंग को मार दिया, अब तुम्हें उसका रिवेंज मिल रहा है। एंड चली जाती है एंड लोग उसे पीटते रहते हैं। तो जो मैन वाइन बांट रहा था वो यंशू का पास देखकर कहता है, ये तो गवर्नमेंट का मैन है, सब जल्दी से भाग जाओ। एंड सब चले जाते हैं एंड यंशू वही यंशी यंशी कहने लगता है। देन आगे यंशी रेडी होकर बाहर आ जाती है एंड पूरा चेस बतालिया उसका वेलकम करता है एंड वो चीज लियांग को ग्रीट करती है और फिर डोली में बैठ जाती है एंड फिर उसकी डोली को पैलेस लेकर चले जाते हैं एंड एक ट्रेडिशनल तरीके से उसकी वेडिंग हो जाती है। देन आगे फॉरेस्ट में चैंग रू फिर से रुककर रेस्ट कर ही रही होती है कि तभी उसे फिर से कुछ लोगों की आवाज आती है एंड वो उन्हें देख लेती है। तो इस टाइम फिर से जोजू एंड उसके मैंस वहां आ जाते हैं, लेकिन यंशू भी उसी जगह बेहोश पड़ा होता है। तो जोजू उसके पास जाकर उसे जैसे ही पीटता है कि तभी यंशू को होश आ जाता है एंड वो उसे ही किक मारकर फेंक देता है कि तभी उसके मैंस आकर कहते हैं कि पीस टेकर का ऑर्डर है कि लिंग लिंग को ढूंढकर वहीं किल कर दो एंड ढूंढने लग जाते हैं। तो चैंगरू उसकी बातें सुनकर कहती है, यंशी मुझे किल नहीं करेगी, कुछ तो गड़बड़ है एंड चली जाती है। इधर यंशू एंड जोजू में फाइट चल रही होती है, तो यंशू जोजू पर अटैक करके भाग जाता है एंड तभी जोजू के मैंस वहाँ आ जाते हैं एंड वो अपने मैन से यंशू को पकड़ने के लिए कह देता है। वेल आगे नाइट में यंशी चीयन के रूम में आ जाती है, तो चीयन उसे कॉन्ग्रेट्स कहता है कि तुमने जैसा चाहा था वैसा हो गया। तो यंशी सबको जाने के लिए कह देती है एंड चीयन से कहती है कि चीज लियांग ने मुझे ऑर्डर दिया है कि जल्द से जल्द मैं उसे एक सन दूं। तो चीयन हंसने लगता है एंड उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं होती है और यंशी से कहता है, मैं तुम्हारे साथ को ऑपरेट करने के लिए एविल नहीं हूँ। तो यंशी उसे गुड बाय बोलकर जा ही रही होती है कि तभी चीयन उसे वैंग रुओ चिंग बोलकर रोक लेता है। तो यंशी ये सुनकर शॉक रह जाती है। तो चीयन उससे कहता है, मुझे तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी पता है। तो वो उससे कहती है, क्या कहा तुमने, कौन सी आइडेंटिटी। तो चीयन उससे कहता है, क्या तुम वैंग रुओ चिंग नहीं हो। तो वो कहती है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए बन सकती हूँ, जैसे हैन हुए के लिए मैं रोचिंग बनी, वैसे आपके लिए भी बन जाऊंगी। एंड उसके पास आकर कहती है, अगर मैं वैंग रोचिंग होती तो तुम्हें किल कर देती एंड काफी अच्छे से झूठ बोलकर चली जाती है। तो चीयन हैंडिंग को बाहर बुलाता है, जिसे उसने फिर से हाइड होकर रखा था एंड इस टाइम उसके साथ एक ओल्ड लेडी भी होती है। तो चीयन उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगा कि यंशी वैंग रोचिंग है। तो वो ओल्ड लेडी उससे कहती है, मैंने इस गर्ल को सेकंड टाइम देखा है, ये उसकी तरह ही है। अगर आप सच में इसकी आइडेंटिटी जानना चाहते हैं तो मेरे पास एक दूसरा तरीका है। तो चीयन पूछता है, क्या। तो वो लेडी कहती है, रुओ चिंग को कैट से काफी डर लगता है, लेकिन उसकी सिस्टर रुओ लिंग कैट्स की काफी शौकीन है। जब बचपन में रुओ लिंग छोटी थी तो वो कैट्स के साथ खेलती थी। अगर आपको रुओ चिंग की आइडेंटिटी जाननी है तो आपको एक कैट लानी होगी। देन आगे चीयन वही वेंगे लेकर चैंगरू को याद करने लगता है एंड इधर फॉरेस्ट में चैंगरू सो रही होती है, तो काफी सारे फायरफ्लाइज वहां उड़ने लग जाते हैं एंड एक उसके हैंड पर बैठ जाता है, जिससे वो उठ जाती है एंड इधर चीयन उसी का हैंगी कवर से निकाल कर
उसे अपने हाथ से लगाकर उसे याद करते हुए रो रहा होता है। एंड इधर वो फायर फ्लाइज देख के काफी खुश होती है एंड उसके साथ खेलने लग जाती है देन यंजी जियन के रूम में आ जाती है एंड दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं एंड फिर वो दोनों दादी से मिलने आ जाते हैं एंड उन्हें ग्रीटिंग्स देते हैं। तो वहाँ ली चैनिंग भी होती है एंड उन दोनों को देखकर वहाँ से जाने लगती है। तो जियन उससे कहता है मैं तुमसे बाहर बात करना चाहता हूँ एंड उसके साथ चला जाता है और दादी यंजी को अपने पास बुला लेती है। देन आगे चीज लियांग अपने मैन से पूछता है चैंगशी इस टाइम कहाँ है, तो वो उसे बताता है जेल नंबर 9 में। आगे यंजी चियन से पूछती है तुम ली चैनिंग से क्या बात करने गए थे, तो चियन उससे उल्टा पूछता है जब हमने शादी की थी तो तुमने क्या प्लान डिस्कस किया था अंकल गुआंग के साथ, तो यंजी कहती है चीज लियांग बारिश चाहता है तो हम ये कर नहीं सकते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सिर्फ एक्टिंग करें, इस टाइम आप चीज लियांग के अगेंस्ट हों। देन आगे चीज लियांग चैंगशी से मिलने आ जाता है एंड उससे कहता है तो तुमने प्रिंस कॉन के साथ एनथ्रोनमेंट की प्लानिंग की थी और तुम्हारा उनके साथ आर्ग्यू हुआ था। उस ड्यू रिवॉल्ट के बार में प्रिंस क्वांग ने वैंग यंग की लिटिल ग्रैंड डॉटर को सेव कर लिया था एंड तुम्हें दे दिया था और तुमने उसे चैंग रू बनाकर पैलेस भेजा चियन के लिए। तुम तो बड़ी शातिर निकली, तुमने उसकी फेक आइडेंटिटी बनाकर उसकी रियल आइडेंटिटी काफी अच्छे से कवर की। तो चैंगशी उससे पूछती है तो तुम्हें सब पता चल गया, तो चीज लियांग कहता है हाँ लेकिन एक बात है जो तुम्हारे अच्छे ब्रदर ने अभी तक तुमसे हाइड रखी है। तो चैंगशी पूछती है कौन सी, तो चीज लियांग कहता है कि रुओ लिंग की सिस्टर रुओ चिंग अभी तक अलाइव है। तो चैंगशी कहती है क्या रुओ चिंग अलाइव है, तो चीज लियांग कहता है हाँ यंजी ही रुओ चिंग है। तो चैंगशी को ये सुनकर एक बड़ा झटका लगता है। तो चीज लियांग उससे कहता है तुम चैंग रुओ को चियन के साथ फिक्स कराना चाहती थी, अगर चैंग रुओ एंड यंजी का मैच होगा तो गेम और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो चैंगशी उससे पूछती है तुम अब क्या चाहते हो, तो वो कहता है तुमने अपनी प्रीवियस फाइट छोड़ दी है, क्या तुम दोबारा करना चाहती हो वैंग रुओ लिंग एंड वैंग रुओ चिंग के बीच हार्ट पे हार्ट वार करा के। इधर यंजू को चैंग रुओ मिल जाती है एंड वो उससे कहता है यंजी ने मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है, मेरे साथ चलो। लेकिन वो कहती है मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन वो कहता है मैं सच में तुम्हें प्रोटेक्ट करने आया हूँ, प्लीज चलो जिद मत करो। लेकिन वो कहती है तुम मेरा पीछा मत करो, तुम्हारे लिए यही बेटर होगा, अदरवाइज मैं तुम्हारे साथ रूड बनी तो मुझे ब्लेम मत देना। एंड वहाँ बॉम्ब गिराकर भागी रही होती है लेकिन तभी वहाँ उसे चैंगशी मिल जाती है एंड यंजू उसे दूसरी साइड देखने चला जाता है एंड चैंगशी वहीं बेहोश हो जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें एक प्लेस पर दिखाया जाता है जहाँ चैंगशी चैंग रुओ से कहती है मैं ली रोंग के होम टाउन वापस जा रही हूँ। तो चैंग रुओ उससे पूछती है क्यों, क्या हुआ, आपने अपनी पोस्ट छोड़ दी है क्या, तो वो कहती है अब मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है एंड जा ही रही होती है कि तभी वो टायर्ड होकर वहीं गिरने लगती है। तो चैंग रुओ उससे कहती है मैं डोंग चुआन जा रही हूँ, मैं आपको आंटी ली रोंग के होम टाउन ड्रॉप कर दूंगी। तो चैंगशी उससे कहती है थैंक्स लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं खुद जाऊंगी एंड चली जाती है एंड यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। If you like this video, please like, share and comment and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.